जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आप सभी को पता होगा कि मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाया, जो आपने देखा होगा शायद, कि वायरल नोटिस के बारे में और पेपर की न्यूज़ के बारे, उमर उजाला जो न्यूज़ पेपर था उसकी एक न्यूज़ के बारे में और एक वायरल नोटिस के बारे में जो SSC GD का, हूबहू SSC GD का था, जिसपे कुछ यूट्यूबर्स ने काफ़ी वाहवाही भी लूटी थी, अपनी पीठ भी थपथपाई थी। उसके लिए मैंने बोला भी था कि जो अभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना, जब वास्तविकता सामने आएगी ना, तब वो नंगे हो जाएंगे और हाथ जोड़ के माफिया मांगेंगे। तो अभी एक तो शुरू हो गए हैं ये अपने भाई साहब है Defence 93 वाले, इन्होंने तो हद कर दी है। SSC GD के बारे में इन्होंने इतनी वैकेंसी निकाल दी है, और ऊपर से ये एक चीज और देखिए, पहले आप देखिए कि इन्होंने क्या किया था और क्या किसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप लोगों से माफी मांगते हैं क्या चीज को लेकर? SSC GD से रिलेटेड हमारी 4 टीमें तैयार हो चुकी है। 4 टीमें में क्या क्या है वो चीजें बता देते हैं आप लोगों को। SSC GD के प्रति कोई भी गलत न्यूज नहीं दे सकता है। देख लीजिए, तो ये तो इन्होंने माफी मांगी है जो इन्होंने किया था। फिर इन्होंने इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको दे दिया? एक्स्ट्रा हिंदी न्यूज चैनल, उनको, कि मैंने तो उनकी नोटिफिकेशन की कॉपी की थी। ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं चाहता था तो मैं इसको बदल कर अपना नाम दे देता। नहीं बेटा, नहीं बदल सकते। ना 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 ना, जो पीछे का बैकग्राउंड में जो नाम है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते आप किसी भी पेपर का। अगर ऐसी होता तो हर कोई चेंज कर लेता, इतना ईजी नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। नहीं तो आप चेंज करके ही बोलते। और आपने जितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो वीडियो बनाया था ना, अब बोल रहे हो नोटिफिकेशन मेरे पास में आ गई तो मैंने वीडियो, मेरे पास में भी आई थी वही नोटिफिकेशन, उसी पे मैंने बनाया था। मैंने कहा ये पूरा का पूरा फेक है, और ये Defence 93 वाला जो बता रहा है वो पूरा का पूरा फेक है, और अब माफी बोल के सुनो तो सही। बस एक बार मेरे को माफ करना, पहली। दूसरी बात, अब मैं एक मुहिम हम लोग छोड़े थे 5 चैनल मिलके कि कोई भी, वाह, अब इन्होंने टीम गठित की है कि चोर चोर मिलके सिपाही को पकड़ेंगे हम। शाबाश। अरे खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने गलत किया है, मैं चोर हूं, मैंने गलती की है, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए माफी मांग रहा है। और एक दिन माफी मांग के तू मतलब पुलिस बन गया, मतलब सत्यता का राजा बन गया, अब तू दूसरे चोरों को पकड़ेगा। वाह, पहले खुद के अंदर जाग। जितनी वैकेंसियां तूने आज तक बताई है, मैंने एक बार पहले भी वीडियो बना के फिर सोचा कि पर्सनली क्या अटैक करे किसी पे, नहीं करना चाहिए किसी पे भी पर्सनली अटैक, इसलिए छोड़ दिया था। ठीक है, जितनी वैकेंसियां बताई है ना, जितनी डेटें बताई है, यहां तक कि ITBP की एक वैकेंसी को तूने 10 बार बताई, और वैकेंसी 2019 की है, अभी 2000 चल रहा 21, वो वीडियो भी प्राइवेट कर दे, नहीं तो उनसे भी मैं बता दूंगा। हैं, अभी SSC GD का टोटल वीडियो प्राइवेट कर रखे हैं तुमने, कितने वीडियो बनाए थे उनमें से अभी केवल वो वीडियो छोड़े जिनमें तुमने गलत नहीं बोला, कम से कम 20 वीडियो प्राइवेट कर दिए तुमने। ठीक है, हर एक बंदा क्या बोल रहे हैं कि हर एक बंदा यूट्यूब पे पैसे कमाने आया है। और दूसरी बात, अरे पैसा कमाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि सब चोर वाला काम करें। पुलिस भी पैसा कमाती है, फौज भी कमाती है, लेकिन अच्छा काम करके, थंबनेल अट्रैक्टिव सब लगाते हैं, सीट पोस्ट भी दिखाते हैं, सब करते हैं ये काम, हर एक यूट्यूब वाला, हर एक, हर कोई, क्योंकि जब तक देखेगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं। लेकिन आने के बाद में तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपके पास में। आपने क्या बोला कि 1 जून से फॉर्म फिलअप होंगे, 1 जून को अपडेट आएगी, ये आएगी, ये मेरी गारंटी, मेरे पास में न्यूज है। अब एक्स्ट्रा हिंदी वाले पे ठोक रहे हो, और मैंने उसी दिन बोली थी, मैंने कहा एक तो ये उमर उजाला अखबार सबसे झूठा अखबार है, दूसरा कि ये जो वायरल हो रहा नोटिस, ये इनके दामाद नहीं है। ये वीडियो मेरा पहले वाला एक बार देख लीजिए आप। अब दूसरा जो नोटिस वायरल हो रहा है वो SSC GD का SJT नोटिस बनाया हुआ है। दोस्तों उसमें एक चीज लिखी हुई है कि 1 जून 2006 से, पहले मैं आप अच्छे से समझ लीजिए आप बात को, फिर आप एग्री करोगे मेरी बात को। उसमें जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमारे पास में ये न्यूज़ है, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये न्यूज़ है, तो पहले मैं बोल रहा हूँ, जैसे इनके SSC के दामाद है, जैसे मैं आपको बता दूँ, उसमें जो लिखा गया है उसमें बोल रहे हैं 1 जून से 30 जून तक तो फार्म भरे जाएंगे, एज में 1 साल की छूट इन्होंने दे दी। तो कई ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एज में 1 साल की या 2 साल की छूट दी जाएगी। मैं भी आपको जो पिछला वीडियो बनाया था एज के लिए, तो मैंने बोला था कि हो सकता है कि 2 साल की छूट दे, क्यों? क्योंकि कोरोना काल की वजह से वैकेंसी काफ़ी डिले हो गई है, इसलिए छूट दे, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन ये अपने मन से बोल रहे हैं, साथ में ये जो न्यूज़ है, अब मुझे बताइए कि अगर SSC ऐसा नोटिस तैयार कर लेगी तो SSC उसको अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड करेगी? उसको क्या रीज़न है, क्यों नहीं अपलोड करेगी? SSC अपलोड कर देगी ना, ताकि बच्चों का भरम टूटे, ताकि बच्चों का जो टेंशन खत्म हो, बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो खत्म हो। SSC का अगर ऑफिशियली अगर नोटिस होता तो SSC सबसे पहले आज तक ऐसा हुआ SSC का कोई भी नोटिस वायरल हुआ है या कोई भी मतलब इलीगली रूप से बाहर आ गया हो?
अगर ये इलीगली रूप से बाहर आया तो इनके पास में कहाँ से आया? अगर ये वास्तविक है तो SSC ने अपनी वेबसाइट पे इसको क्यों नहीं नोटिस डाला? जब SSC एक छोटी छोटी चीज़ एक आंसर के लिए नोटिस डालती है, एग्जाम कैलेंडर डालती है, तो उसमें ऐसा एक नोटिस बना के SSC को 5 मिनट 10 मिनट का काम है। अगर उनको जून में देनी है कितने मिनट का काम है SSC का? 10 मिनट का नोटिस डाल देंगे। उनको पता है कि उनकी वेबसाइट पर SSC GD कितनी ज़्यादा सर्च हो रही है, तो उनको भी पता है वो इसी दुनिया के, कोई और दुनिया का तो है नहीं। तो अगर इस नोटिस में वास्तविकता होती तो SSC अपनी वेबसाइट पे कब का डाल चुकी होती। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लोग बोलते रहते हैं मैं भी ऐसा नोटिस बना दूंगा, क्या SSC का लोगो लगा के ये सब चीजें मैं भी लिख दूंगा 1/4 के पेज पे, कोई भी लिख लेगा, तो क्या ये वास्तविक हो गई? नहीं दोस्तों, इससे आपको प्रभावित नहीं होना, नहीं अपनी तैयारी छोड़नी है। ऐसे नोटिस अभी आप भर्ती में आए हो, ऐसे नोटिस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। बहुत झूठे लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहुत नोटिस आएंगे, आपके एग्ज़ाम कैंसिल के भी आएंगे, फिर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन के भी आएंगे, और SSC के लोगों सब में लगे रहे कि SSC GD वाले के दामाद नहीं हो तुम, जो तुमको अलग से नोटिस दे देंगे वो। अगर उन्होंने अगर नोटिस बना लिया है तो वो अपलोड भी कर देंगे उसको, ठीक है? तो इतना तो तुमको भी पता है, या इतना अगर नहीं पता तो फिर बनाते क्यों? अभी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे। और सबसे खास बात तो देखिए, अब इन्होंने टीम बनाई है 5 यूट्यूबर की। क्या बनाई है टीम? कि अब अगर कोई SSC GD के बारे में गलत बोले, हमने जो गलत बोला उसका कुछ नहीं, अब अगर कोई गलत बोला तो हम उसको पकड़ देंगे। अरे सबसे बड़े चोर तो तुम हो, तो सबसे बड़ा झूठ तो तुमने बोला है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी का गला काट दूं और फिर मैं आके बोल दूं भाई मैंने 2 आदमी का गला काट दिया है, लेकिन अब अगर कोई गला काटेगा तो उसको मैं देख लूंगा, पहले मैं निर्दोषों को मार दूं 10 को और फिर मैं बोलता हूं कि मैंने निर्दोषों को मारा है, मेरी गलती है, मैं मानता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं किसी निर्दोष को नहीं मारने दूंगा। अरे वाह, मतलब चोर चोर मिलकर अब सिपाही को पकड़ेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सबसे ज्यादा गन तो तुमने मचाई थी, अब तुम माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हारी पीछे पड़ गए बाकी जितने भी कम्युनिटी यूट्यूब की, वो पीछे पड़ गए। और सभी लोग, मैंने तो पर्सनली अटैक भी नहीं किया था, उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा पर्सनली तौर पे किस लिए अटैक नहीं किया था पर्सनली तौर पे, ठीक है? तो इसलिए मैंने पर्सनली तौर पे अटैक नहीं किया था, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि SSC के दामाद नहीं हो तुम, जो तुमको SSC अलग से नोटिस वायरल करके दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ SSC में कभी भी, नोटिस कोई भी जब नोटिस बन जाता है तो डायरेक्ट अपडेट होता है उसकी साइड पर, और तुम बोलो डिफेंस की मैं सर्विस कर रहा हूं, तुमको पता नहीं है, झूठ बोल रहे हो व्यू बांट के। बात रही, दो बोल रहे हैं कि व्यू इसलिए बनाते हैं कि भाई सबके पैसे आए, मोनेटाइजेशन सभी ऑन करो, बिल्कुल रखते हैं। किस लिए? क्योंकि मेहनत भी तो करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, कई बार ग्राउंड में जाना पड़ता है, कई बार कहीं जाना पड़ता है, तो कौन अपने जेब से तेल भर के अपना खर्चा कर करके बना देगा? मेहनत सभी करते हैं, इसीलिए मोनेटाइजेशन करते हैं, इसीलिए नाम भी चाहते हैं, लेकिन अच्छे वे में। सभी तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है? हमने भी न्यूज दी SSC GD की, मैंने भी कम से कम 10 वीडियो बनाए, लेकिन हर एक वीडियो तुमने तो 1 साल की छूट तक दे दी है बच्चों को, एज में 1 साल की रिलेशन तुम्हारी तरफ से, वाह, पोस्टें दे दी तुमने, छूट दे दी, बहुत सारी चीजें तुमने दे दी फ्री में। और हमने भी बनाए 2-2 साल के रिलेशन के भी टैग लगाए, लेकिन उसमें हर बार ये लिखा है कि बच्चा इस बार आपको छूट मिल सकती है, उसका एक रीजन भी है। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है छूट देने के एज में, लेकिन कितनी, ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगी। और ये लाइन हर एक वीडियो में है मेरे में, ठीक है? या हमने अगर कोई वीडियो बनाया डेट के लिए तो उसमें ये बोला है कि अनुमानित है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट या इस डेट तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, हो सकता है कि यहां लेट हो जाए, उसके पीछे एक लॉजिक दिया है, और यहां तक आपका मतलब नोटिफिकेशन आ सकती है इस प्रकार से, लेकिन झूठ नहीं बोले। और सबसे खास बात, अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही? मतलब खुद माफी मांग रहे, ऊपर से बोल रहे अब खेला खत्म। नीचे वीडियो के नीचे डिसलाइक देखो, पहले 50% ज्यादा लोगों ने अपने डिसलाइक मार रखा है। मतलब चोर बोल रहा है कि अब हम पकड़ेंगे साहूकारों को, हैं? ऐसा होता है क्या? बड़े आए तू, पहले खुद तो देखो खुद ने क्या किया है, फिर दूसरों पे आरोप दूसरों को ढूंढ रहे हो। पहले खुद के गिरेबान में झांको, कौन कौन सी वैकेंसी, CISF की डिपार्टमेंटली वैकेंसी थी ना, उसको तुमने बाहर पब्लिक में वैकेंसी बना दी थी, उसका वीडियो बनाया हुआ है मेरे पास में तुम्हारे थंबनेल लगा के, वो भी बता दूंगा। तुमने जितने वीडियो बनाए उनमें से मेरे पास में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 या 60 वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है,
वो मैं बता दूंगा एक 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 एक, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पर्सनली अटैक नहीं करना चाहते, और उन वीडियो की भी सच्चाई बताई थी कि ये डिपार्टमेंटली एग्जाम है, मतलब सरासर झूठ। हल्का फुल्का तो झूठ यूट्यूब पर बहुत सारे बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं यूट्यूब पर बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम तो सरासर बोले CISF की डिपार्टमेंटली वैकेंसी थी, ASI की, NC की, और उसमें साफ लिखा था 5 साल की सर्विस, उसके वीडियो तुम्हारे चैनल पर अभी भी चल रहे हैं, प्राइवेट कर देना आज ही, लेकिन मेरे पास में उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पहले से, उस समय जब मैंने बनाया था ना उस पे वीडियो तब से। तो पहले खुद को सुधारो, बाद में टीम में बनाना, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छी चीजें बताओ, और फिर ना दुनिया को सुधारने निकलना, पहले खुद तो सुधर जाओ। बड़े आए तुमने टीम बना ली 4, उसका था, उसने बता दिया, उसने कुछ भी बता दिया, तुम भी बताओगे, और अगर बताते हो तो फिर रहो ना। अब जब सारे सभी लोग आपके तुम्हारी बजाने में लगे हैं तब माफी मांग रहे हो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहे, इनके झूठ का कोई अंत नहीं है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बोलने में माफी इसलिए मांग रहा हूं ताकि मुझे बुरा लगा, बुरा लगता ना तो जितनी वैकेंसी तुमने फेक बताई है ना उनके स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बोलो तो एक दिन में शेयर कर दूं कम्युनिटी पोस्ट पे, बता देना मेरे को पर्सनली तौर पे, और नहीं तो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जो बच्चा बोलेगा ना उसको पर्सनली तौर पे सेंड कर दूंगा, अगर वो वैकेंसी कहीं डॉक्यूमेंट्स में भी हो तो, नोटिफिकेशन लिंक, यूनिक फ्रेंड्स के लिंक दे दे के तुमने कितनी वैकेंसियां बताई है पता नहीं है क्या तुमको, लेकिन अब जब बजने लगी है ना खुद की तब सीधे हो गए हो बेटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।